दिन ब दिन हैवानियत और दरिंदगी बढ़ती जा रही है। शायद आज की घटना सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, कांप जाएगा, क्योंकि एक शख्स एक महिला को रोड पर पकड़ता है, नीचे गिराता है, उसके बाद उस महिला के दोनों स्तनों को काट देता है और दोनों कानों को काट देता है। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ उस महिला को बचाने के बजाय वहाँ पर वीडियो बनाने लगती है। इतने में वो शख्स उस महिला के दोनों हाथों को काट देता है, दोनों पैरों को काट देता है और उसके बाद सुकून से आराम से वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे उनके मन में सवाल आता है कि आखिर इस शख्स ने इतनी बेरहमी से इस महिला को क्यों मारा, ये महिला कौन है और आखिर मैं इस वीडियो में खुलासा होगा आखिर में इस वीडियो में खुलासा होगा कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ नीलेश पटेल और डेली हम लोग एक सच्ची घटना को कवर करते हैं और इन घटनाओं को बताने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप इन घटनाओं से सीखिए, सतर्क रहिए और अगर आपको थोड़ी बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो आज की जो सच्ची घटना है ये है बिहार प्रदेश का जिला लगता है एक भागलपुर। भागलपुर जिले में का एक थाना है, वहाँ पर 3 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है कि यह आपके जो ज़िले में ऐसी घटना हुई है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस उस महिला को देखकर हैरान हो जाती है, आखिर इतनी बेरहमी से कैसे उस महिला के स्तन को, कानों को और पाँव को, हाथों को काट सकता है। तब वो महिला को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में उस महिला को थोड़ी देर बाद होश आता है, उस महिला की स्थिति गंभीर रहती है। तब वो महिला बताती है कि मैं बाजार आई थी और पीछे से मुझ पर कुल्हाड़ी से शकील ने वार किया, और शकील उसका भाई और उसके दोस्त ने मुझ पर वार किया, इतना ही बता पाती है और इतने में महिला फिर से बेहोश हो जाती है। तब वहाँ पर महिला के पति का नाम है अशोक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो पुलिस पूछते हैं कि आखिर ये शकील कौन है। तब वो अशोक बताते हैं कि शकील का खेत मेरे खेत के बगल में ही है और शकील मेरे घर भी आता जाता रहता है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, जांच पड़ताल करती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और 2-3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शकील, उसके भाई और उसके दोस्त को पकड़ लिया जाता है। तब पूछा जाता है शकील से कि आखिर तुमने इतनी बेरहमी से इस महिला को क्यों मारा, क्यों काटा। तब शकील बताता है कि हालांकि इससे पहले अशोक भी बताता है कि मेरी जो पत्नी है इसके संबंध थे, कुछ अवैध संबंध चल रहे थे। तब शकील बताता है फिर पूरी विस्तार से कि नीलम, जिसकी उम्र है 42 वर्ष, नीलम से वो प्यार करता है और ये भी कहता है कि नीलम को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे जब भी कोई समस्या होती है तो पैसे देता था कौन, शकील। और चूँकि उसका खेत बगल में ही है और घर पर उसका आना जाना लगा रहता था, ठीक ऐसे ही कि जैसे रिश्तेदार आते रहते हैं, तो फ्रिक्वेंटली शकील उसके घर आता रहता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था, सेक्स करता रहता था। लेकिन इस घटना की जानकारी जैसे ही अशोक यानी उसके पति को पता चलती है तो वो नीलम से कह देता है कि आज के बाद शकील घर नहीं आना चाहिए, शकील से ना आप बात करेंगी और ना ही कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो नीलम फिर शकील से ना कोई फ़ोन पर ना कोई बातचीत हो पाती है। तब शकील को गुस्सा आ जाता है, शकील कहता है कि मैं ऐसा हर्ष करूंगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया याद रखेगी कि आखिर कोई महिला जब किसी पुरुष को चीट करती है तो कैसा लगता है उसे। तब फिर प्लान बनाता है शकील कि अगर मुझे कभी अकेले में मिल जाएगी नीलम तो उसके साथ मैं कैसा करूंगा, ये पहले से ही वो प्लान बना लेता है। फिर एक दिन नीलम बाजार जाती है सब्जी खरीदने के लिए, पैदल चल रही होती है, इतने में पीछे से कुल्हाड़ी से वार होता है, इतने में देख लेती है नीलम और भागने की कोशिश करती है। तब शकील, उसका भाई और जो उसका दोस्त है ये उसको पकड़ लेते हैं, नीचे गिरा लेते हैं और उसके बाद हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं, महिला के दोनों स्तन काट देते हैं, कान काट देते हैं, पैर काट देते हैं और हाथ भी काटने की कोशिश करते हैं।
और महिला लहू लुहान हो जाती है। फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हालांकि बाद में उसकी मौत हो जाती है। और इन सभी को पकड़ लिया जाता है, और ये अब कहाँ है, सलाखों के पीछे हैं। तीनों ही व्यक्ति कहाँ है, सलाखों के पीछे हैं। शकील को पकड़ लिया जाता है, हालांकि इसके बाद इसको लेकर पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो शकील होता है ये होता है मुस्लिम धर्म का होता है, और जो नीलम होती है ये हिंदू धर्म की होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अपराधी हो गए, हत्यारे हो गए, इन क्रिमिनल हो गए, इनका कोई धर्म नहीं होता, ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो अपराधी हैं ये किसी धर्म विशेष के नहीं होते हैं, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरीके से जो आतंकवादी हैं इनका कोई धर्म नहीं होता है, तो ठीक ऐसे ही अपराधियों का भी कोई धर्म नहीं होता है। तो इस घटना को बताने का उद्देश्य यही था मेरा कि आप लोग सतर्क रहिए, सचेत रहिए। किसी से भी अगर आपको संबंध बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं, तो आप सोच समझ कर करिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी जान आप पर आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सतर्क रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।